गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज चैप्टर नंबर 3, ग्लिम्स ऑफ द पास्ट। पास्ट की कुछ झलकियां। हेयर आर सम पिक्टोरियल ग्लिम्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ अवर कंट्री फ्रॉम 1757 टू 1857। यहाँ पे 1757 से 1857 की कुछ झलकियां दी गई हैं हिस्ट्री की। दीज पिक्चर्स एंड स्पीच बबल्स विल हेल्प क्लेरिफाई योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंडीशन दैट लेड टू द इवेंट नोन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857। ये जो पिक्चर्स आपको गिवन हैं, ये आपको क्लेरिफाई करेगी, ये आपको बताएगी अच्छी तरह से कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस थी जिससे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857 के लिए हुआ था, यानी 1857 में इंडिपेंडेंस वॉर हुआ था। द मार्टियर्स मीन्स होते शहीद। सो हियर आर सम स्पीच एट अ फंक्शन इन दिल्ली के एक फंक्शन है। ओ माई कंट्री मैन, लेट योर आईज फिल विथ टीयर्स एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइस ऑफ डाइड मार्टियर्स। ऐ मेरे देश के लोगों, लेट योर आईज फिल मीन्स जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो तुम कुर्बानी। सो दिस इज फॉर मार्टियर्स, मीन्स शहीदों के लिए ये। सो नेक्स्ट इज द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट 1757 टू 1849। कंपनी का कंक्वेस्ट मानी जीत, कंक्वेस्ट मानी जीत, जो 1757 टू 1849 के बारे में। नेक्स्ट इज विद इट्स सुपीरियर वेपन्स द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सटेंडेड इज पावर इन 18th सेंचुरी इंडिया। अपनी सुपीरियर वेपन से मानी सबसे बड़े वेपन से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी पावर को 18th सेंचुरी में एक्सटेंड कर रही थी, मीन्स बढ़ा रही थी। इंडिया 1765, ये इंडिया 1765 की बात है। या रेड इंडियन प्रिंसेस, यानी जो येलो है ये इंडियन प्रिंसेस की टेरिटरी है। दैट इज द टेरिटरी ऑफ इंडियन प्रिंसेस एंड ब्रिटिश टेरिटरी इज हेयर, दिस इज द ब्रिटिश टेरिटरी मीन्स इलाका। रेड इज ब्रिटिश टेरिटरी। इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड, जो इंडियन प्रिंसेस थे हमारे भारत के जो प्रिंसेस थे वो शॉर्ट साइटेड मानी बहुत ही दूर, बहुत ही कम परख थी उनकी, यानी लोगों को बहुत ही कम परख पाते थे। दैट अपस्टार्ट राजा वाह कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम, यानी जो किंग्स कह रहे हैं कि इंग्लिश मर्चेंट्स को बुलाओ वो मेरी हेल्प करेंगे टू डिफीट हिम, उसे हराने में। डिफीट मानी यानी दूसरे राजा को हराने में, यानी वन किंग दूसरे राजा को हराने, वन किंग अनदर किंग को चाहता था, ही वॉन्टेड टू डिफीट। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स, लोगों के इस तरह की फाइट से कोई भी पीस, लोगों को इस तरह की फाइट्स होती थी, किंग्स के बीच में फाइट्स होती थी, उससे लोगों को शांति नहीं मिलती थी, लोग बहुत ही परेशान थे। देयर वॉज नो पीस। द राइवलरीज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड इजिली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाई वन। ये जो राइवलरीज होती थी यानी किंग्स के बीच में जो वॉर होता था, वन किंग दूसरे किंग से जो वॉर करता था, उससे ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ही ज्यादा बेनिफिट हुआ, बहुत ही ज्यादा फायदा मिला एंड कुड इजीली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन। और वो इंडियन प्रिंसेस हमारे देश के जो महाराजा जो राजा थे उनको एक के बाद एक करते वो दबाते गए, यानी कि ब्रिटिशर्स। अ फार सींग रूलर लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर फॉर द ब्रिटिश टिल ही डाइड फाइटिंग। एक बहुत ही फार सींग यानी दूर तक की देखने वाले जो रूलर थे जिनका नाम था टीपू सुल्तान, जो टीपू थे मैसूर के, उन्होंने ब्रिटिशर्स से फाइटिंग यानी लास्ट तक भी उन्होंने युद्ध किया, फाइट किया। थैंक गॉड देयर इज अ पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वार्स एंड नो लूटिंग बाय टर्क्स। थैंक गॉड अब बहुत ही पीस है कंट्री में, और ज्यादा लूटिंग मानी ज्यादा लूट नहीं है, कोई वॉर नहीं है और ठग नहीं है, यानी लूटिंग नहीं है बाय ठग्स, ठग के द्वारा कोई लूट नहीं है। इट इज गॉड हु सेंट द ब्रिटिश, ये ओनली गॉड, यानी लोग बात कर रहे हैं कि ओनली गॉड है जिन्होंने ब्रिटिशर्स को यहाँ भेजा है इंडिया में। हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दिस कंक्वेस्ट, इंडियंस ने इन कंक्वेस्ट का, ये जो जीत हुई उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी की, उससे कैसे रिएक्ट किया। अवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम, अब कुछ कह रहे हैं कि हमारी डेस्टिनी, हमारी जो किस्मत है वो इनके साथ हमारा लिंक है, ब्रिटिशर्स के साथ। बट अदर सेड, लेकिन दूसरों ने क्या कहा, द व्हाइट मैन हैज किल्ड और डीथ्रोन अवर किंग्स, ये जो गोरे लोग हैं यानी जो ब्रिटिशर्स हैं, जो अंग्रेज हैं, इन्होंने हमारे मैन हैज किल्ड, मार दिया हमारे किंग्स को, और डीथ्रोन मानी उन्हें सिंहासन से हटा दिया। सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ हिज लैंड, हमारे जो कुछ क्या बातें कर रहे हैं ये,
दे आर जस्ट टॉकिंग दैट सम किंग्स वर नॉट गुड, वो अच्छे नहीं थे कुछ राजा, बट दे आर ऑफ अवर लैंड, लेकिन ये हमारे देश के ही थे. नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरनर्स, लेकिन अब हम स्लेव्स बन चुके हैं, मीन्स गुलाम बन चुके हैं फॉरनर्स के, मीन्स अंग्रेजों के. सो वी विल स्टडी दिस पार्ट इन अवर नेक्स्ट वीडियो.